इंदौर जिले की उप जेल में लोकायुक्त पुलिस ने कार्यवाही कर जेल में पदस्थ आरक्षक और सफाई कर्मी को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा है, जहां पुलिस कार्यवाही जारी है। दरअसल इंदौर जिले की महू जेल में सोमवार को लोकायुक्त पुलिस ने कार्यवाही की, जिसमें आरक्षक और सफाई कर्मी द्वारा कैदी के परिजन से मुलाकात कराने और सुविधा देने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस को की गई। इसके बाद सोमवार को लोकायुक्त पुलिस ने महू उप जेल में छापा मारकर आरक्षक अजेंद्र राठौड़ और सफाई कर्मी मनीष बाली को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चा के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मित्र से मुलाकात ली तो उन्होंने बताया कि जेल के अंदर मारपीट हो रही है, तो अच्छे रख रखाव के लिए और मुलाकात के लिए पैसे की मांग है, वो इनकी पूरी कर दो। तो रुपए की रिश्वत मांगी गई थी? 25,000। क्या कुछ रिश्वत पहले दी है आपने उनको? नहीं, आज ही दी थी। हाँ, आपने इसकी शिकायत जेलर साहब से की थी क्या? नहीं, जेलर साहब से नहीं की, डायरेक्ट लोकायुक्त में आपने शिकायत? हाँ जी। तो आरोपी किस तारा किस मुकदमे में बनता? 34-2 में। क्या नाम है उनका? दिलीप चौक से। कहाँ के रहने वाले हैं? हाथोद। आपका नाम क्या? जितेंद्र सोलंकी। तारीख को 26 फरवरी में पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष जो है आवेदक फरियादी हैं जितेंद्र सोलंकी, शिकायत लेकर उपस्थित हुए थे कि इनका एक जो दोस्त है वो महू उप जेल में बंदी है, उसको सुविधाओं के नाम पे जो है उप जेल का स्टाफ उनसे रिश्वत की मांग कर रहा है। पहले कुछ रिश्वत की मांग देना ये बता रहे थे, तो इनके जब इन्होंने शिकायत दी तो हम पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा छाया साक्षी के साथ रिकॉर्डिंग कराई गई उनकी डिमांड की, जिसमें जो स्टाफ था अजेंद्र राठौर के द्वारा बंदी से मुलाकात के नाम पर रिश्वत लेने लिया जाना पाया गया था, उसी के आधार पर आज ट्रैप दल का गठन किया गया और महू उप जेल में आरक्षक जो राठौर हैं अजेंद्र सिंह, उनको ये कहते हुए पाया गया कि जो रिश्वत की राशि है वो बाहर एक सफाई कर्मी है बाली, उसको दे दें, मनीष बाली को। और हम लोग की टीम जो है वो मुलाकातियों के रूप में ही उप जेल में उपस्थित थी, तो उसी समय मनीष बाली को 25,000 रुपये की रिश्वत राशि के साथ जो है पकड़ा गया था। और अभी हम जो है इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो दोनों आरक्षक हैं, मतलब दोनों तो नहीं, जो अजेंद्र राठौर है वो जो जेलर है उनके नाम पर ही पैसे मांग रहा था अभी आज भी, कि जो है उनको देना पड़ता है। वो अभी 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 उसमें देख रहे हैं, वो विवेचना में, अगर उसमें जेलर के भी कोई इन्वॉल्वमेंट आती है तो जरूर जेलर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नया संशोधित अधिनियम से के अंतर्गत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मैं DSP लोकायुक्त प्रवीण सिंह बघेल हूँ, लोकायुक्त इंदौर से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।